हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में होने वाले आज के पीएसएल के पहले मुकाबले की। पीएसएल दोबारा से शुरू हो गया है, पीएसएल अथॉरिटीज़ ने पीएसएल दोबारा से शुरू करवा दिया है। अब कुछ प्लेयर्स यहाँ पर नहीं खेलेंगे, जो पिछले जो पहला लेग था वहाँ पर जो खेल रहे थे वो यहाँ पर नहीं खेलेंगे। जैसे आपको पता है आईपीएल में भी ऐसा ही होगा कि भैया कुछ प्लेयर जो पहले लेग में थे वो नहीं खेलेंगे, ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्या अपडेटेड प्लेइंग 11 है, कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर खेलेंगे नहीं पूरा का पूरा टूर्नामेंट, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 15th मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, शेख जईद स्टेडियम अबू धाबी में। आपको मैच 9:30 बजे लाइव इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखने को मिलेगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब आपको पता है पीएसएल दोबारा से रिज्यूम हो रहा है कोविड आउटब्रेक के बाद यूएई में। आज से 15वां मुकाबला है ये टूर्नामेंट का, 14 पहले खेले जा चुके थे, 15वां ये है। 4 मुकाबले जीत चुकी है अभी तक लाहौर कलंदर की टीम, और अगर आप देख मतलब 4 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है, 1 हारी है, और अभी के लिए चौथे पायदान पर है 6 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप बात करो तो भैया इनके लिए कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, जैसे पॉल स्टर्लिंग नहीं खेलेंगे, एलेक्स हेल्स नहीं खेलेंगे, और दोनों को रिप्लेस किसने करा है, पॉल स्टर्लिंग को रिप्लेस करा है भैया उस्मान ख्वाजा ने, और एलेक्स हेल्स को रिप्लेस करा है कॉलिन मनरो ने। कॉलिन मनरो बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है आज के मुकाबले में। आपको पता है नॉर्मली कॉलिन मनरो इतनी ज़्यादा लीग्स नहीं खेलता है, बट अब खेल रहा है तो ये हो सकता है, ये चांसेस भी हैं कि भैया कॉलिन मनरो यहाँ से उठकर आपको आईपीएल में भी खेलता हुआ दिख जाए। अभी अगर आप देखो तो ये थर्ड पोजीशन पर है, 3 विन्स इसने भी करी हैं, 6 पॉइंट इनके पास भी हैं, बट वही वाली बात है, क्या है कि यहाँ पर उसकी नेट रन रेट की वजह से ना ऊपर नीचे हो रखी हैं टीम्स। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, आपने पिछले साल भी मुकाबले देखे थे इसी पिच के ऊपर, छोटा ग्राउंड है, आपको पता है बैटिंग फेवरेबल पिच रहती है प्योरली। स्टार्टिंग में तो प्योरली बैटिंग फेवरेबल पिच थी, उसके बाद जब लगातार मैचेस हुए थे इस पिच के ऊपर, तो आपको पता है कि भैया क्या हुआ था, इस पिच के ऊपर जब लगातार मैचेस हुए थे तब ये पिच हो गई थी स्लो, और फिर वहाँ पर ना 130-140 भी नहीं बन रहे थे, और वो चेज़ भी नहीं हो रहे थे, नॉर्मली 180 भी चेज़ हो जा रहे थे इस पिच के ऊपर। तो अभी आपको देखकर चलना, नई पिच है, बिल्कुल नई पिच है, तो उस हिसाब से अभी के लिए इस पिच के ऊपर रन चेज़ हो सकते हैं आराम से। लाहौर कलंदर की अगर आप बात करो, फ़खर जमान आपके पास है, सोहेल अख्तर एज अ कैप्टन, फिर उसका कैलम फर्गसन आपके पास है, मोहम्मद हफीज़ आपके पास है, बेन डंग, जेम्स फॉकनर, आगा सलमान आपके पास है, रशीद खान आपके पास है, शहीन अफरीदी आपके पास है, उसके बाद अहमद दनियाल और हरी सुरैफ, ये प्लेइंग 11 रह सकती है। अब इसमें अगर आप देखो तो नया नाम तो जुड़ा है, वो है भैया कैलम फर्गसन, और उसके बाद आगा सलमा भी आपको, और यहाँ पर जेम्स फॉकनर, फॉकनर खेलने गया था पिछले साल मतलब पहले लेग तक, अब खेलता हुआ आपको दिखेगा। अब अगर आप देखो फ़खर जमान का टूर्नामेंट बहुत बढ़िया रहा था जब ये पाकिस्तान में खेल रहे थे, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए स्टार्टिंग में तो आपको बैटिंग फेवरेबल पिच ही देखने को मिलेगी, 15 रन, 82, फिर उसके बाद 9 रन और 83, उसके बाद अगर आप देखो सोहेल अख्तर 14-21, 7-0, इसका टूर्नामेंट इतना ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं है, बट इस टूर्नामेंट के हिसाब से आप इसे सेलेक्ट करो या नहीं करो ये आप अभी के लिए नहीं बता सकते। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्योरली बैटिंग पिच है और यहाँ पर बैट्समैन आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर देकर जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से सोहेल अख्तर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो डेनली खेलेगा नहीं, बट पिछले साल मतलब पहले लेग में खेल रहा था, मोहम्मद हफीज़ आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर यूएई में भी मोहम्मद हफीज़ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है करियर में भी, और अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, और आपको यहाँ से देखने को पता भी लग रहा है। बेन डंग की अगर आप बात करो, 22-1, और जो आखिरी मुकाबला हुआ था वहाँ पर भैया 57 रन की पारी रही थी। डेविड वीज़े पहले मुकाबले में एक विकेट चटकाई थी, पिछले मुकाबले में 31 रन के साथ एक विकेट, बट डेविड वीज़े नहीं खेलेगा, डेविड वीज़े को रिप्लेस किसने करा भैया, डेविड वीज़े को रिप्लेस करा है जेम्स फॉकनर है।
फिर उसके जसीन अशरफ आपके पास है। अशरफ पाकिस्तानी प्लेयर ही है तो अशरफ तो खेल ही सकता है, अगर टीम अगर अशरफ को खिलाना चाहती है तो खिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। समित पटेल आपके पास है, समित पटेल की भी अवेलेबिलिटी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि ये आएगा टूर्नामेंट में, बाद में नहीं आएगा, बट अभी के लिए तो नहीं है। शहीन शाह अफरीदी आपके पास है, कंसिस्टेंट प्लेयर, आपको इस पिच के ऊपर एक आधी दो विकेट लाकर देकर जा सकता है। अब देखो अहमद दनियाल, अहमद दनियाल ना इसी पिच के ऊपर मुकाबले खेल चुका है, याद होगा आपको आबू धाबी टीटन था, अहमद दनियाल यूएई की टीम के लिए खेला करता था, तो अहमद दनियाल को पता है इन पिचेस के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे पूरे अगर आप देखोगे पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बताएगा भैया इन पिचेस के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ साल मतलब अभी पिछले साल तक तो भैया यूएई में ही खेला करती थी, यूएई इनका होम ग्राउंड था। अब अगर आप हरीश रोएफ की बात करो तो भैया एक विकेट, और इस पिच के ऊपर आपको स्पिनर्स इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया करते हुए दिखते नहीं है, बट स्पिनर्स रन्स रोक लेते हैं, बस वो वाली बात है। तो वहाँ पर रशीद खान आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगमा सलान सलमान रशीद खान। रशीद खान को देखो दो मुकाबलों के बाद खिलाया नहीं था, ये चला गया था, दो ही मुकाबले इसने खेले थे, अब ये शायद पूरा मुकाबला पूरा पीएसएल खेल जाए। अब अगर आप पिछले मुकाबले की बात करोगे ना तो भैया शहीन शाह अफरीदी ने चार ओवर में तीन विकेट चटकाई थी, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी, और मोहम्मद हफीज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बॉलिंग भी करवा कर देकर जा रहा था अभी जो पहला लेग था वहाँ पर, तो ये देख कर चलना कि मोहम्मद हफीज़ इस साल भी आपको मतलब इस लेग में भी आपको करवाता हुआ दिखेगा बॉलिंग। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 की बात करो तो भैया उस्मान ख्वाजा आपके पास है, कॉलिन मंडो, रोहिल नज़ीर, उसके बाद ब्रेंडन किंग। ब्रेंडन किंग एक नया नाम जुड़ा है इस टीम के अंदर, या तो अली खान खेलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टीम ब्रेंडन किंग को खिलाएगी। फिर उसके शराब खान आपके पास है, आसिफ अली आपके पास है, हुसैन तलात आपके पास है, इफ्तिकार अहमद आपके पास है, फ़हीम अशरफ, हसन अली और फवाद अहमद। तो ये देखकर चलो कि भैया प्लेयर्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, जैसे यहाँ पर कॉलिन मंडो, ब्रेंडन किंग, तो दोनों प्लेयर्स आपके लिए, दोनों क्या तीनों ही है उस्मान ख्वाजा के साथ, जो तीनों प्लेयर्स हैं ना ये तीनों फॉरेन प्लेयर्स बहुत बढ़िया हैं। पॉल स्टर्लिंग खेलेगा नहीं, एलेक्स हेल्स खेलेगा नहीं, ओपन आपको उस्मान ख्वाजा कॉलिन मंड्रो करते हुए दिखेंगे, इनकी ओपनिंग जोड़ी ही बदल दी है, मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि भैया ये दोनों के दोनों अवेलेबल ही नहीं है। फिर उसके बाद रोहिल नज़ीर आपके पास है, रोहिल नज़ीर जब आया था पिछला मुकाबला जब इसने खेला था 34 रन की पारी खेली थी, उसके बाद से ना पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा मुकाबले खेल लिए हैं, डोमेस्टिक तो इतना नहीं हुआ है, बट ये है कि जो इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकाबले खेले हैं, तो उस हिसाब से आप देखकर चलना कि भैया इंटरनेशनल प्लेयर के आपको पता भी होगा कि इन किन प्लेयर्स ने क्या क्या करा है क्या क्या नहीं करा है। शादाब खान आपके पास है, आराम से ट्राई कर सकते हो, वैसे नॉर्मली इसने भी कोई इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा खेले नहीं हैं, आपको याद होगा इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो हमें टेस्ट मैचेस जो खेले थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान की ज़्यादा कोई बड़ी लीग हुई ही नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ मुकाबले इंटरनेशनली भी हुए नहीं है। 21 रन के साथ एक विकेट, क्या इस मुकाबले में इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा, बैटिंग से तो कर सकता है बट बॉलिंग से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मेन बात क्या है टीम इसे तीसरे या चौथे पायदान पर ही भेजेगी, और इस मुकाबले में भी तीसरे चौथे पायदान पर ही भेजने वाली है। फिर उसके बाद आसिफ अली आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखो पूरा टूर्नामेंट इतना ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं था, हुसैन तलात को आप आराम से ट्राई कर सकते हो, बट वो ये स्पिनर है और इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स मतलब यहाँ पर शेख जईद स्टेडियम के ऊपर स्पिनर्स का इंपैक्ट इतना ज़्यादा बढ़िया है नहीं। इफ्तिकार अहमद आपके पास है, ये भी स्पिनर ही है, बट वो ये कि भैया इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा नहीं है अभी तक इस पिच के ऊपर स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, पहला मुकाबला तीसरा मुकाबला, वैसे 25 रन की पारी यहाँ पर भी रही थी, फ़हीम अशरफ आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। हसन अली आपके पास है, एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मूसा, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट मूसा वो ये अभी के लिए यंगस्टर है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भैया मूसा की परफॉर्मेंस अभी शायद आपको इतनी इम्पैक्टफुल ना लगे। नीचे अगर आप आओगे बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे, हसन अली बॉलिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं मोहम्मद वसीम के साथ, मोहम्मद वसीम डेथ में आकर भी बॉलिंग करवा रहा है, फ़हीम अशरफ आपको बॉलिंग करवा कर दे जाएगा। मूसा से पिछले मुकाबले में जब ये लास्ट मुकाबला खेले थे कोविड आउटब्रेक के पहले मतलब फरवरी में, तब भैया डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहा था, पता नहीं अगर टीम इसे खिलाती है तो ये देखो पक्का है, अगर खिलाएगी तो डेथ में ही आकर बॉलिंग आपको करवाता हुआ दिखेगा। शादाब खान, इफ्तिकार अहमद दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है इस पिच के ऊपर ये दोनों प्लेयर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। इफ्तिकार को तो आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो, शादाब को आपको लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपको तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग कर देकर जाने वाला है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
विकेट कीपिंग सेक्शन में दो प्लेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रोहिल नज़ीर और यहाँ पर बेन डंक। देखो जो नॉर्मल पिक रहने वाली है वो रहने वाली है बेन डंक के साथ, ठीक है। और रिस्की लेकर जा रहे हो तो भैया रोहिल नज़ीर क्यों, मैं आपको कह रहा हूँ तीसरे चौथे पायदान पर आपको आकर ना, पहले भी मुकाबले में जब इसको पहला मुकाबला खिलाया गया था 35 रन की पारी कर गया था और प्लस साथ में यहाँ पर ओपनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो रोहिल नज़ीर इस पिच के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको देखकर चलना है, आप अगर अपनी रिस्की टीम लेकर जा रहे हो तो वहाँ पर रोहिल नज़ीर आपकी टीम में आराम से हो सकता है। फ़कर जमान, कॉलिन मनरो, आसिफ अली को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, बट यहाँ पर उस्मान ख्वाजा आपके पास एक बढ़िया पिक रहेगा। कैलम फर्गसन खेलता हुआ आपको दिख सकता है आज के मुकाबले में। फर्गसन आपको पता है अभी के लिए इंटरनेशनल मैचेस इतने खेल नहीं रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दो प्लेयर तो पक्का हैं, अब उस्मान ख्वाजा और अगर ब्रेंडन किंग खेल जाता है तो किंग के साथ चलेंगे, तो ये देखकर चलना। और यहाँ पर बेन डंक तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर मैं रोहिल नज़ीर को नहीं लूँगा, क्योंकि रोहिल नज़ीर फिर शायद नीचे आएगा, ब्रेंडन किंग को टीम ऊपर भेजने वाली है। ब्रेंडन किंग आपने CPL में देखा था, बढ़िया इंपैक्टफुल पारी रही थी इसकी, और अभी ये खेल के भी फिर वापस जाएगा ब्रेंडन किंग कहाँ पर, CPL में, तो यहाँ पर भी ब्रेंडन किंग को ना एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ, शदाब खान तक के प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब अगर आप नीचे आओगे ना, अगर तो टीम फॉकनर को खिला लेती है कि जी हाँ फॉकनर खेलेगा, तब तो हम फॉकनर को पक्का ट्राई करेंगे, और फिर मैं ड्रॉप करूँगा यहाँ पर या तो शदाब खान को या नहीं तो फ़हीम अशरफ को। मैं ज़्यादा चांसेस ये सोच रहा हूँ कि मैं शदाब खान को ड्रॉप कर जेम्स फॉकनर लेकर जाऊँगा, बट आप अपना देखना कि भैया आपको कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है कौन सा नहीं। सीकू प्रसन्ना की अगर आप बात करो, इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा नहीं है श्रीलंका के लिए भी, अभी के लिए PSL में भी श्रीलंका के प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, IPL में भी गारंटी श्रीलंका के प्लेयर्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भैया इंग्लैंड के प्लेयर, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, तो कई सारे प्लेयर तो IPL से भी मतलब मुंह ही मोड़ रहे हैं कि भैया दूसरे लग तो हम खेल ही नहीं पाएंगे। अब अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करोगे, शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, रशीद खान, ये तीनों प्लेयर्स इंपैक्टफुल प्लेयर्स रहने वाले हैं। यहाँ पर फास्ट बॉलर ही आपको कर देकर जाने वाले हैं, जो भी कर देकर जाने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि भैया मैं फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर्स लेकर जाऊँ, तो स्पिनर इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाले हैं। रशीद खान को छोड़कर कोई, मुझे तो नहीं लगता भैया कोई भी स्पिनर आपको इतना बढ़िया कुछ भी कर देकर जाने वाला है। अब अगर आप देखो क्यों यहाँ पर प्लेयर्स ने कुछ और प्लेयर्स सेलेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि भैया क्रेडिट इशू आने ही वाले हैं, गारंटी क्रेडिट इशू आने वाले हैं। आप बिना क्रेडिट इशू के PSL IPL खेल ही नहीं सकते हो, तो वो तो आपको ही पता। अब यहाँ पर उस्मान ख्वाजा को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर रशीद खान लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बच जाते हैं 8.5 क्रेडिट के साथ कि भैया किन किन प्लेयर्स को आप रख सकते हो, किन किन को नहीं। तो आपके पास यहाँ पर हरीश रोइफ का एक ऑप्शन रहेगा, मोहम्मद वसीम का एक ऑप्शन रहेगा, बॉलर्स एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन को फेवर करते हो तो ज़्यादा सेफ़ रहोगे, जैसे आसिफ अली या तो एस अख्तर ज़्यादा सेफ़ रहेगा एज़ कम्पेयर टू आसिफ अली, बट आप आसिफ अली को भी अभी के लिए लेकर जा सकते हो। मैंने अभी के लिए ब्रेंडन किंग को रखा हुआ है, बट कुछ पता नहीं है कि ब्रेंडन किंग खेलेगा या नहीं खेलेगा, ट्राई कर सकते हो तो बेन डंक को भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी पूछो ना कि आपके पास अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो भैया बैट्समैन आपके लिए फेवरेट रहने वाले हैं इस मुकाबले में, तो कॉलिन मनरो को आराम से कैप्टनसी दे सकते हो, या तो मोहम्मद हफीज़ आपके पास ना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का, ये कर सकते हो मोहम्मद हफीज़ एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलिन मनरो भी एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसे कैप्टन दे रहे हो तो फिर मोहम्मद हफीज़ को वाइस कैप्टनसी, या नहीं तो कॉलिन मनरो को वाइस कैप्टनसी, तो फिर भैया मोहम्मद हफीज़ को कैप्टनसी देनी पड़ेगी आपको, तो वो आपके लिए एक सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं दोनों के दोनों प्लेयर। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है कॉलिन मनरो, वाइस कैप्टनसी फ़हीम, यहाँ पर फ़कर जमान को दे रखी है। अब आप ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, प्लस साथ में अगर आप देखो तो अभी के लिए मैंने इफ्तिकार अहमद को पिक कर रखा है, स्पिनर है आपके लिए, इतना बढ़िया शायद परफॉर्म ना कर देकर जाए, बट रिस्क लिया है क्योंकि बैटिंग बढ़िया रहने वाली है, और अगर इसकी बैटिंग आएगी तो बैटिंग भी बढ़िया कर जाता है। बेन डंक, उस्मान ख्वाजा, आसिफ अली, उसके बाद अगर आप देखो तो मोहम्मद हफीज़ आपके पास है, फ़हीम अशरफ, रशीद खान, फिर उसके बाद हसन अली और अहमद दनियाल लेना पड़ा है, शहीन शाह अफरीदी नहीं ले पा रहा हूँ क्रेडिट इशू की वजह से, आपको पता है क्रेडिट इशू आने ही वाले हैं, बट जो मैंने अभी आपको टीम बनाकर दी थी ना उसमें क्रेडिट इशू नहीं थे और वो टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो वही टीम आप लेकर जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे। अब अगर आप दूसरी टीम की बात करो तो यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनसी उधर रखी है, वो दे रखी है फ़हीम अशरफ को, कॉलिन मनरो, फ़कर जमान, सोहेल अख्तर, फिर उसका दार नज़ीर,
हुसैन तलात, फिर उसके शादाब खान आपके पास है, हसन अली, फिर उसके शहनशाह अफरीदी और हरीश रोएफ, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।